हेलो एवरीवन, माय सेल्फ ए डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो की मदद से हम बात करेंगे कि माचा टी और ग्रीन टी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, साथ ही इनमें से कौन जो है वो बेटर होती है। साथ ही हम जानेंगे कि आजकल जो ट्रेडिशन में सबसे ज़्यादा चल रहा है माचा टी लेटेस्ट, को किस तरह से तैयार किया जाता है और इसे तैयार करने का क्या क्या तरीका होता है। साथ ही हम जानेंगे इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। आइए जानते हैं इन सभी को डिटेल्स में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दिनों एक चाय का काफ़ी ज़्यादा चलन है, जिसे माचा टी के नाम से जाना जाता है। इसमें काफ़ी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होने के साथ साथ यह आजकल काफ़ी ज़्यादा स्वाद में भी लोकप्रिय है। यह एक जापानीज टी है, जिसे कैमेलिया साइनेंसिस पत्तियों को सुखाकर तैयार किया जाता है। आइए जानते हैं कि माचा टी के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें पॉलीफेनॉल्स, विटामिन सी एंड रूटीन जैसे एलिमेंट पाए जाते हैं, जो कि बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये डायबिटीज़ में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। साथ ही एथेरोस्क्लेरोसिस के होने का ख़तरा भी इनसे कम हो जाता है, जिससे आपको हार्ट डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें कैटचिन नाम का एक एलिमेंट होता है, जो कि आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है, जिससे कि वेट लॉस में मदद मिलती है। साथ ही ये हाई कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रिड्यूस करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, जिससे डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। काफ़ी सारी रिसर्च के अकॉर्डिंग माचा टी के अंदर थियानिन और आर्गिनिन जैसे दो एलिमेंट होते हैं, जो कि स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं, डिप्रेशन को कम करते हैं। अब जानते हैं कि माचा टी के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो आपके लिवर को डैमेज कर सकता है, बाइल के प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकता है। अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तो आपको, अगर डायबिटीज़ है तो आप हाइपोग्लाइसीमा की कंडीशन में भी जा सकते हैं। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो इससे हाइपरथायरॉयडिज्म का खतरा होने का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अलावा इसमें कैफीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं, तो आपको हार्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों, माचा टी लेटे को बनाने का तरीका क्या होता है। एक छोटे कप में आप माचा टी को थोड़े गर्म पानी के साथ फेंटें। जब तक फेंटें तब तक कि इसमें झाग ना बन जाए। इसमें लगभग एक मिनट का समय लगना चाहिए। फिर इस मिक्सचर को आप ठंडा होने के लिए रख दें। अब एक दूसरे ग्लास में आप अपनी पसंद का स्वीटनर डालें। पसंद के स्वीटनर में आप हनी को या फिर मैपल सिरप को या स्टीविया को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसमें जो मिल्क लेंगे वो आप प्लांट बेस्ड मिल्क इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर है। प्लांट बेस्ड मिल्क में आप आलमंड मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं या सोया मिल्क का कर सकते हैं, कोकोनट मिल्क का। आप चाहें तो नॉन क्रीमी मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दूध डालने के बाद आप इसमें बर्फ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको ठंडा पीना चाहते हैं तो आप इसमें बर्फ ऐड करें। अगर आप इसको हॉट फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप हॉट मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अब गर्म या ठंडे दूध के साथ आप इस माचा टी मिक्सचर को ऐड कर लीजिए। इस तरह से आप माचा टी लेटे को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप जानते हैं माचा टी और ग्रीन टी में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, माचा टी आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, इसलिए इसका इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा किया जाता है। जबकि जो ग्रीन टी है उसका इस्तेमाल आजकल काफ़ी लिमिटेड रह गया है। लोग उसको स्किन केयर प्रोडक्ट्स में और बालों के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो माचा टी होती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ग्रीन टी के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होती है और ये 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है ग्रीन टी के कंपेयर में। इस तरह से माचा टी जो होती है उसमें न्यूट्रिशनल एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं ग्रीन टी के कंपेयर में, और इसका कॉन्सेंट्रेशन यानी इसका जो पाउडर होता है काफ़ी फाइन होता है ग्रीन टी के कंपेयर में। इसका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है ग्रीन टी से, इसलिए माचा टी जो होती है हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती और काफ़ी स्ट्रॉन्गर होती है कंपेयर टू ग्रीन टी। मुझे उम्मीद है दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।